नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन किसान हेल्प में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्राईसाइक्लोजोल 75% WP फॉर्म में जो फंगिसाइड आता है उसके बारे में। यह बहुत ही सस्ता है, लेकिन कुछ किसान साथी जो है इसका यूज करना नहीं जानते हैं, इसलिए वह महंगे महंगे फंगिसाइड के चक्कर में पड़े रहते हैं और इस सस्ते प्रोडक्ट को यूज करना ही नहीं जानते हैं, इसलिए उनको रिजल्ट भी नहीं मिल पाता और उनका जो है पैसा भी अच्छा खासा वेस्ट होता रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इसका यूज किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसे किन किन फसलों पे यूज कर सकते हैं, इसकी मात्रा क्या डालनी है हमें अपने फसलों पे, और इसका प्राइस क्या रहेगा यदि हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है और यह किन किन बीमारियों को हमारी फसलों में कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा यह कौन कौन सी फसलों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल इंडियन किसान हेल्प को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी खेती संबंधित जानकारी यूट्यूब पर सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ट्राईसाइक्लोजोल 75% WP फॉर्म में आता है वह मार्केट में आपको किन किन ब्रांड का मिल जाएगा, किस नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो बात करें हम सबसे पहले मार्केट नेम की या फिर ब्रांड नेम की, तो आपको टाटा रिलीज का आपको ट्राईसाइक्लोजोल के नाम से ही मिल जाएगा। इसके अलावा आपको नागार्जुन का सिविक के नाम से मिल जाएगा, सिजेंटा कंपनी का आपको गेन के नाम से मिल जाएगा और इंडोफिल का आपको वैन के नाम से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको UPL कंपनी का समर के नाम से मिल जाएगा, डाउ एग्रीसंस का आपको जिम के नाम से मिल जाएगा और UK क्रॉप साइंस का आपको जोलेक्स के नाम से मिल जाएगा। इसके अलावा आपको PI इंडस्ट्री का लॉजिक के नाम से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की। तो जो ट्राईसाइक्लोजोल है या सिस्टेमेटिक फंगिसाइड है, यह प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और इरेडिकेटिव वर्क करता है हमारी फसलों पे। जहां प्रिवेंटिव का मतलब होता है रोग आने से पहले आप इसका प्रिवेंटिव यूज करते हैं तो आपको रोग आने ही नहीं देगा ये आपकी फसल में। क्यूरेटिव का मतलब ये होता है कि रोग आने के बाद आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इरेडिकेटिव का मतलब ये होता है कि रोग आने के बाद जब आप इसका स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल में ये रोगों को जड़ से ख़त्म कर देता है। इसके अलावा इसमें एक्रोवेक्टल एक्शन भी होता है। इसमें यह होता है कि जब आप इसे यूज करते हैं तो यूज करने के 2-3 दिन बाद जब नई पत्तियां निकलना स्टार्ट होती हैं तो यह उन नई पत्तियों को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यह मुख्य रूप से ब्लास्ट को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे ब्लास्टिसाइड के नाम से भी जानते हैं। बात करें अगर हम डिजीज़ कंट्रोल की कि यह किन किन बीमारियों को कंट्रोल करता है आसानी से, तो यह लीफ ब्लास्ट को आसानी से कंट्रोल कर लेता है, या स्टेम ब्लास्ट को भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इसके अलावा यह पेनिकल ब्लास्ट को भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है। बात करें अगर हम इसके रेसिडिवल एक्टिविटी के बारे में कि यह कितने दिनों तक हमारी फसलों को प्रोटेक्ट करता है, तो यह लगभग आपकी फसल को 15 दिनों तक आसानी से प्रोटेक्ट कर लेता है। इसका मतलब इसकी रेसिडिवल एक्टिविटी 15 दिनों की होती है। और इसके अलावा या जब आप इसका उपयोग करते हैं तो 1 घंटे के बाद यदि बारिश भी हो जाती है तब भी इसके आपको 100% रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि आपकी रेन फास्टनेस, यदि आप इसको यूज करते हैं ट्राईसाइक्लोजोल को, तो आपको इसका रेन फास्टनेस 1 घंटे को देखने को मिल जाएगा। बात करें अगर हम फसलों की कि आप इन्हें किन किन फसलों में यूज कर सकते हैं, तो इसे आप मुख्य रूप से धान के फसल में ब्लास्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप इसे आलू, लौकी, कद्दू, गोभी, मिर्च, लगभग सभी प्रकार की फसलों में भी यूज कर सकते हैं और इसे आप किसी भी कम्बिनेशन के साथ यूज कर सकते हैं। किस कम्बिनेशन में अगर हम देखा जाए तो आप इसे जैसे कि इमीडा या फिर थायोमेथक्साम, एमामेक्टिन जैसे कीटनाशक, या फिर आप इसे NPK 1919 या फिर अन्य जो फर्टिलाइज़र आते हैं उनके साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसके ड्रेंचिंग की, तो यह सिस्टमेटिक फंगिसाइड है, इसलिए आप इसकी ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रेंचिंग में आपको 500 ग्राम 200 लीटर पानी के साथ यूज करना होगा। बात करें अगर हम इसके डोज की, तो 120 ग्राम 200 लीटर पानी के साथ आप स्प्रे कर सकते हैं, 12 ग्राम 20 लीटर पानी में आप स्प्रे कर सकते हैं और 8 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होता है। और बात करें अगर हम प्रति एकड़ डोज की, तो आप इसे 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। बात करें अगर हम इसके प्राइस की, तो अलग अलग कंपनियों का अलग अलग प्राइस है, लेकिन फिर भी आपको 100 ग्राम ट्राईसाइक्लोजोल का पैक मार्केट में लगभग आपको 150 से 200 रुपए के समथिंग मिल जाएगा। ट्राईसाइक्लोजोल को आप फसल की किसी भी अवस्था पे यूज कर सकते हैं, चाहे वह वेजिटेटिव अवस्था हो या फिर आपकी फ्लावरिंग स्टेज हो
या इसके अलावा आपके फल की अवस्था पे भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसका नुकसान आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। यदि आप इसको फ्लावरिंग स्टेज पे स्प्रे करते हैं या फिर आप फल की अवस्था पे इसे स्प्रे करते हैं तो आपके फल का कलर आपको हमेशा अच्छा मिलेगा, उसमें आपको भद्दा या फिर दूसरे कलर का आपको फल नेचुरल जो आपको प्राकृतिक कलर मिलता है फसल का वही आपको कलर मिल जाएगा इसका आप यदि उपयोग करते हैं। इसलिए आप अगर इसका फल की अवस्था पे यूज करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। किसान दोस्तों, यही सब था ट्राईसाइक्लोजोल के बारे में जानकारी। आपको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो आप अपने किसान दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।